वंदे लोक तिलकम सस्तभरत विभूषणम अमृतकृत शारणम प्रबुंदे लोक जीवनम प्रणय प्रमृत याग दीपनम वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तमम वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तमम वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के आतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राधा जगत जननी शिशि वर्मा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बादो शिशि बौद्धा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बादो आचार्य देव शिशि दादा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबाईदा ओविंदा समस्त ठाकुर परिवार के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई और सभी बड़े भाई बहनों को मेरा आंतरिक राह और जय गुरु। ठाकुर कहते हैं जेठाई था कि सोचना पे उसको सौंदा प्रार्थना सेठाई हो भी निष्ठा निपुण शक्ति भाभी बर्तोना। ठाकुर कहते हैं कि जहाँ पर भी रहने से तुम यदि प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे अंदर जो एकाग्रता जो तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बनी रहती है। ठाकुर जी हमें पहले ही 5 pillars of life देखे गए हैं, जो 5 स्तंभ है हमें देखे गए हैं, यजन याजन इष्टवीति सस्तेन सदाचार। वो 5 pillars में भी ठाकुर हमें 3 exceptions देके भी हमें 3 जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि जैसे कि अभी पहले एग्जांपल में दिया गया बोला गया था कि यदि हम मतलब गुरु को ना पकड़े तो हम बचना। ठाकुर कहते हैं कि इस सब में बहुत मत हो सकते हैं, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिज्म जैनिज्म बहुत कुछ मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक को ही कहते हैं, बचना और बढ़ने को ही धर्म कहते हैं। और यदि खुद बचेंगे तो दूसरों को ही बचा पाएंगे, पहले खुद कैसे बचना है उसे ठाकुर जी कहते हैं कि हम यदि यजन याजन इष्टविधि कर सके। इष्टविधि होता है जो सुबह उठ के नाम ध्यान करके जो हम ठाकुर को जो भोग निवेदन करते हैं उसे इष्टविधि कहते हैं। हम जो इष्टविधि का अर्थ मतलब जो हम इष्टविधि में सब लोग कहते इष्टविधि में हम कहते हैं कि हम अखरदी हम अमानी हम निरलस काम लोभ जी बसु हम इष्टवान सेवा बोटो अस्थिविधि जजन दैत्य परमानंद दीप्त शक्ति समृद्ध तुम्हारी संतान प्रेम पुष्ट चिर चेतन अजर अमर हमारी गहन करो। हम जो ये सब कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम यदि ये सब ना करते, हम यदि क्रोधित होते भी हैं तो हम हमारा दिन को पॉजिटिवली स्टार्ट करने के लिए हम ये सब बोलते हैं, हम ये सब करने की चेष्टा हम करते हैं। ठाकुर हमें जो अर्ली मॉर्निंग में उठने को कह के जो इष्टविधि कहा है, अर्ली मॉर्निंग का अर्थ क्या है? 4 to 5 जो होता है वो समय उसको अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। जो 4 to 5 हर को जो हम जो अर्ली मॉर्निंग कहते हैं उसे संस्कृत में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ के जो इष्टविधि करते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मेरा आज्ञा चक्र है, हम जो बोलते हैं हिंदी में या फिर संस्कृत में, वो आज्ञा चक्र हमारा स्थिर होता है, जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन लेवल हमारा जो हमारा ये समय में हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा रहता है और हम अच्छे से कंसेंट्रेट कर सकते हैं। और यदि हम सुबह उठ के पहले नाम ध्यान करते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वो स्थिर तो रहता ही है और हमारा आज्ञा चक्र बहुत और ज्यादा स्थिर होता है, जिससे कि हम इधर उधर जल्दी से ना भटके। हम जो नाम ध्यान करते हैं, नाम ध्यान से हमारे अंदर एक कंपन सृष्टि होती है, जिससे हम जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जो चार्ज होने लगते हैं। जैसे कि हम मोबाइल पे जब हम चार्ज देते हैं, अभी तो ये तो मैकेनिकल वर्ल्ड है, हम तो अभी सभी मतलब हम वर्चुअली मीट कर रहे हैं, फिजिकली तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी जैसे कि हम जब मोबाइल को चार्ज देते हैं तब किसी क्षण के बाद यदि उसका बैटरी अच्छा हो तो जल्दी से खत्म नहीं होता है उसका चार्ज, यदि उसका बैटरी वीक है तो जल्दी खत्म हो जाता है चार्ज फोन का। उसी तरह बोलने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि हमारा हमने कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है हमें पता नहीं है, लेकिन ये जन्म में आके हमें ठाकुर जी का बोला हुआ काम करना है। जैसे कि हमें हर समय हर मुहूर्त ठाकुर जी का काम को माथा में लेके चलना है, कब कहाँ है, कहाँ कब कब कहाँ कुछ है, हमें ये सब माथा में लेके चलना है, तभी हम ठाकुर में हो पाएंगे। 97 शरण के 1st पेज में ठाकुर ने कहा है,
अर्थमानियश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठके जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत ना होने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखा में पड़ोगे। इसका अर्थ क्या है? ठाकुर कहते हैं कि मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठके जाओगे। मुझे अर्थ के लिए, मान के लिए, यश के लिए ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो इसका बोलने का ठाकुर क्या चाहते हैं? हमें हालो बाशना चाहिए सभी को। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, यदि हम जाजन दूसरों को करते हैं, तो हम यदि आप वो ठाकुर का बात वो नहीं मानता, यदि आप उसको सबसे मतलब वो आपको नहीं चाहता हो, तो उससे दूर रह के ठाकुर के पास उसकी मंगल कामना करनी चाहिए। और मंगल कामना करते ही यदि वो ठीक हो जाए तो उससे फिर से गले मिलाना चाहिए। ठाकुर के पास हम आए हैं, ठाकुर के पास ठाकुर हमें लाए हैं, ठाकुर हमें ये सब हमें हर मुहूर्त में वो बचाते रहते हैं। जो हम जो इष्टविधि करते हैं सुबह, वो हमारे एक रक्षा कवच के जैसा है। जो एक मुनि जो जो तपस्या करता है, हम वो तपस्या को ये कलयुग में हम जो हम इतना शॉर्टेंड रूप से जो नाम ध्यान हमें जो कहा है, दो शब्द का नाम ध्यान जो हमें जो कहा है, वो इतना पावरफुल है कि हम जो मुनि लोग है वो जो तपस्या इतना करते रहते थे उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हम जो नाम करते हैं, हमारा माइंड इतना कांस्टेंट नहीं रहता है, हमारा माइंड इतना कांस्टेंट स्टेट में कभी भी नहीं रहता है। हम इधर की उधर बातें सुनते रहते हैं और बहुत सारे जीवन में हमारा होता रहता है। लेकिन ये जो माया है, मोह माया है, ये सब बचने के लिए ठाकुर सस्तैनी दिया है। सस्तैनी का अर्थ होता है सत रहने का, मतलब अच्छे रहने का पद। सस्तैनी का अर्थ होता है अच्छा रहने का पद। यदि हम सस्तैनी लेते हैं तो हमारा अंदर जो सब कुछ है वो प्यूरिफाई हो जाता है। हम सस्तैनी का अर्थ होता है अच्छा रहने का पद। यदि हम बाहर से नहा ले तो हमारे अंदर के जो अंदर जो टॉक्सिन्स है वो कैसे निकलेगा? उसे निकालने के लिए ठाकुर जी ने सस्तैनी लिया है। इससे हम जो नाना प्रकार के जो रोग व्याधि है, जैसे कि कैंसर है, इसका तो इलाज कुछ नहीं है। सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन अंत में उसका तो बचने का कोई उपाय नहीं है ना। ऐसे ही पहले हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए ठाकुर ने जो हमें जो दिया है भलो रहने का पद, जो सस्तैनी, उसके पालन करना चाहिए। और हम यदि छोटे हैं तो हम मानते हैं कि हमें सदाचार, जैसे कि अभी सदाचार का एग्जांपल देना चाहूंगा। सदाचार मतलब अच्छा, मतलब यदि हम मुंह हाथ में कान में उंगलियां डालते हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए, जिससे कि हम प्योरीफाई रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिवली रह सकते हैं। और मैं सभी की मंगल कामना करके श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में रख के वंदे वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।